परिभ्रामी अध्यापकों की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य करना होगा। हम लोगों को ही उनका अभिभावक बनकर उनकी शिक्षा के साथ उन्हें स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षित करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी परिभ्रामी अध्यापक सक्रिय होकर पूरी मेहनत के साथ कार्य करें तथा एक अच्छी टीम बनाकर सक्रिय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित एवं कम सुनने वाले तथा इसी प्रकार के अन्य विकलांग बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सभी अध्यापक अपना विशेष योगदान दे सकते हैं और ऐसे बच्चों को चिन्हित भी करें जिनको सर्जरी आदि के माध्यम से ठीक भी कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 17 करोड़ की लागत से CRC का निर्माण हो रहा है जो दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य करेगा। बैठक में BSA BN सिंह, सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक विवेक जायसवाल सहित अन्य परिभ्रामी अध्यापक मौजूद रहे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लेवल उस जगह का आ गए सारा उनकी इवेल्युएशन किए जाए। मेन इनका एकेडमिक सपोर्ट ही मेन रोल होता है। जो लड़कियां 6-7-8 में पढ़ती हैं और अगर एक कस्तूरबा में हमें एक रिस्पेक्टिव डिसेबिलिटी मान लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की 10 लड़कियां भी जाती हैं तो हम वहाँ एक इंटर्न टीचर्स को वहाँ पर अटैच करते हैं। हाई स्कूल इंटर में उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स मतलब 86% मार्क्स का गेन किए हैं। धीरे धीरे पहले 10 विद्यार्थी को बच्चे काफ़ी टीचर्स के बच्चे कम से कम 1-2 बच्चे तो हर यूनिट में ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में मतलब प्राइवेट स्कूल में और स्कूल में बढ़ते क्लास में टॉप करते हैं सामान्य बच्चों के साथ और तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन भी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग AMC में एक्सीलरेटेड लर्निंग कैंप में बच्चों को लाते हैं और 10 महीने में हमको क्लास करिकुलम एक ऐसा कैरिकुलम है जिसको देने के बाद वो नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल कैरिकुलम को अडॉप्ट कर सकता है। अच्छा कितने लोग हैं? सब लोग हैं इस समय 46 लोगों में से 44 लोग हैं 45 लोग उपस्थित होंगे एक नंबर से काम करते हैं बट कुछ लोग एक्टिवली काम कर लेते हैं कुछ लोग तो बस केवल कागज में काम करते हैं बाकी तो कहीं काम तो ढंग से होता नहीं होना ज़्यादा हो जाता है इसलिए प्रिवेलेंस रेट और जनपद से ज़्यादा है। इसके लिए तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं तो अभी 17-18 से हम लोग एक कंपोजिट रिसोर्स सेंटर यहाँ खोल रहे हैं। यहाँ ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट केंद्र सरकार का उसी के माध्यम से फंडिंग हुआ है। करीब 17 करोड़ का लागत से बन रही है BRD मेडिकल कॉलेज में उसका अनुमति मिल गया। उसका मंत्री जी मिस्टर माननीय गहलोत जी वो आएंगे 17 नहीं तो 18 तारीख को दोनों में 1 तारीख में उसका आकर के शिलान्यास करेंगे। खासतौर पर जो एक अपोजिट रिसोर्स सेंटर इसका पर्पस यही है ये जो कितने बच्चे होते हैं उनका रिहैबिलिटेशन ठीक है वो बच्चे की रिहैबिलिटेशन तो करेंगे आप लोगों को भी कोर्स चलाएंगे टाइमली जो शॉर्ट कोर्स होता है फिर जो डिग्री डिप्लोमा कोर्स वो सारे चलता है। डिग्री डिप्लोमा अभी इस समय में जो हम लोग का समय कम है इसलिए तो अगले महीने से यानी जो जुलाई अगस्त से हम लोग शॉर्ट कोर्स चालू कर देंगे आप लोग भी रेफ्रेश करते हैं ताकि इसी फील्ड में अभी क्या एडवांसमेंट है और क्या क्या नया टेक्निक हुआ है इस पर रिसर्च में क्या चल रहा है किस दिशा में हम जा रहे हैं और इनके बच्चे का कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं उसके लिए आप लोग को समय समय पे हम लोग बता देंगे। अभी फिलहाल जो 17 तारीख के बाद ये सीतापुर आई अस्पताल है जो आपको सिटी मॉल के सामने वहाँ से चालू होगा उसके लिए 15 कमरा दिया हमने और 2 बड़ा हाल दिया हमने टेम्प्रोरली चलाने के लिए। अगले साल से BRD मेडिकल कॉलेज में फुल फ्लेज्ड यूनिट बन जाएगा उससे फिर आराम से चल जाएगा। इस पर प्रोफेशनल तरीके से चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये है ना ये राइट टाइम में आप इंटरवेन करेंगे है ना जो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जो माइलस्टोन जो बच्चे होते हैं मान लीजिए 6 महीने में ठीक है पकड़ के थोड़ा धीरे धीरे मतलब वो पलटना होना चाहिए था फिर 1 साल में खड़ा होना चाहिए था 1.5 साल में बोलना चाहिए था 50 शब्द कम से कम तो 2 साल के समय में बोलना चाहिए था ये एक तरफ माइलस्टोन होता है लाइफ में माइलस्टोन में कम होता तो फिर उसी समय में हम पहचान सकते हैं बच्चे के कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है।
तो आपने यदि सीवियर सीपी पेशेंट है कर सकते हैं, फिर तो उसके बाद उसके क्या क्या इक्विपमेंट जनपद में चाहिए, कहीं कहीं कुछ इक्विपमेंट बाहर से भी मंगाना पड़ता है, हम मंगा देंगे उसको, ताकि तो अलग अलग होता है, आप लोग भी देखे होंगे स्पीच थेरेपी के लिए क्या है, प्राइवेट वाले कैसे करते हैं, उसी टाइप का हम लोग भी इक्विप कराना होगा, और इसलिए तो खासतौर पर बुलाया है आप लोग को, एक तरफ सक्रिय कराना है, एक्टिवेट कराना है, मैं मॉनिटर भी करता हूँ आप लोग का क्या क्या स्वागत है, एक टीम भावना के साथ हम लोग काम कराना चालू करा देंगे, ताकि ये है ना, ये इसी जनपद में इसी समस्या बिल्कुल गंभीर समस्या है, खासतौर पर टीम वाइज हम देखेंगे 15 लोग इसमें, ये जो है MR का है, ये सोनी मिश्रा, सिद्धांत मिश्रा ये है, इन लोग राजकुमार रजत जी बेहतर वाले कौन है, वैसे रहता है ना, तो बच्चे सांस लेते हैं, जब बाहर दब जाएगी तो चार मिनट की तरफ, इससे बच्चे की स्लाइवा में काफ़ी कंट्रोल।